15 जून को कराची में मेयर का इंतखाब हुआ और इस इंतखाब ने पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस सब की कलाई खोल दी। और जिस बात को हम गुज़िश्ता कई माह से बयान कर रहे थे वो बिल्कुल अपनी असल शक्ल में सामने आ गई और मेयर के इंतखाब के नाम पर जालसाजी हुई, कब्ज़ा मेयर मुंतखब करवा दिया गया और इस जालसाजी के नतीजे में कराची के आवाम को उनके मैंडेट से महरूम किया गया है। जाहिर सी बात है कि इस बात को कबूल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन हो, लोग वोट डालें, कोई जीत जाए कोई हार जाए, जाहिर है कि ये एक जमहूरी अमल होता है। जीतने वाले को मुबारकबाद दी जाती है, हारने वाले से इज़हार अफसोस किया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है आइंदा बेहतर रिजल्ट होगा। लेकिन जब एक अमल पूरी तरह से लुथड़ा हुआ हो, गंदगी में, धांधली में, कब्जे में, जालसाजी में, तो आप कभी भी उस अमल को सही नहीं कह सकते, कबूल नहीं कर सकते और उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते। इसलिए हम ये समझते हैं कि 15 जनवरी से पहले ही बल्दियाती एक्ट जो सिंध हुकूमत ने पेश किया था, आपको मालूम है उस एक्ट में ही उनकी जो नियत थी वो नज़र आ गई थी, इख्तियारात उन्होंने मुंतकिल नहीं किए थे। उसके ख़िलाफ़ हमने 29 दिन का धरना दिया था, उससे पहले एहतजाज किए थे, उसके बाद एहतजाज किए थे, उन्होंने हमसे एग्रीमेंट भी किया था, उस पर अमल दरामद भी पूरा नहीं किया चूँकि उस दौरान में उनको अपने नए पार्टनर्स मिल गए थे जिनके साथ मिलकर इस वक्त हुकूमत में। फिर उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उस इलेक्शन को 4 मरतबा मुलतवी किया गया, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट से पहले हल्का बंदियाँ गलत की गई और उस हल्का बंदियों के नतीजे में अपने सीटें बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने पूरी तरह से वो अमल दरामद भी किया। 15,000, 10,000, 2,500, 16,000 वोट वाले हलके उनके और 45,000, 50,000, 55,000 वोट वाले हलके जमात इस्लामी वाले जो हम जीते हैं। इस सब के बावजूद भी 15 जनवरी को जब इंतखाब हुआ और शाम तक रिज़ल्ट आना शुरू हुए और फॉर्म 11 नहीं दिए जा रहे थे, फिर बड़ी ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल ये काम किया कि तकरीबन आधी जगहों पे हमें फॉर्म 11 मैसर आ गए, रात 2-3 बजे तक भी वो नहीं मिल रहे थे। उस फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी की 100 से ज़्यादा नशिस्तें थीं और 100 से ज़्यादा नशिस्तें होती तो उसकी प्रोपोर्शनेट हमें सीटें जो मिलनी थी ख़वातीन की, मज़दूर की और इसी तरह माइनॉरिटी की और यूथ की, तो वो सब मिलाकर हमारी सीटें कम से कम 155-160 होनी थी। हल्का बंदियों के बावजूद वो जो हल्का बंदियाँ जो पीपल्स पार्टी की पसंद की हल्का बंदियाँ थीं उसके बावजूद हमारी नशिस्तें ये हैं। लेकिन उन्होंने अपने आरोस के ज़रिए इलेक्शन कमीशन और यानी PPP और ECP, ये हम मानी हैं इस वक्त, इन दोनों का एक गठजोड़ भी है, वो मैं और बताऊँगा कैसे कैसे, तो इन्होंने मिलकर इनके आरोज ने नतीजों को तब्दील किया। आज तक वो मसला सेटल इसलिए नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जिन 6 UCO को टेकअप किया था उसमें उन्होंने सही फैसला इसलिए नहीं दिया कि तमाम तर शवाहिद के बावजूद पीपल्स पार्टी का लगता है लिखा हुआ फैसला उन्होंने पढ़ के सुनाया। फॉर्म 11 मौजूद हैं, ना उसकी कोई उन्होंने फॉरेंसिक की, ना कैफर किरदार तक पहुँचाया जो हेयरिंग में कहते थे, ना फाइनल समाप्त की। ऑन रिकॉर्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा हम फाइनल समाप्त करेंगे और उस समात के बाद फिर हम फैसला सुनाएंगे। वो फाइनल समात ही नहीं की, 66 जगहों पर, 6 UCO में 66 जगहों पर फ़र्क था। हमारे ओरिजिनल फॉर्म 11 थे जो प्रिजाइडिंग अफसर के दिए हुए और बाद में ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी ने RO और प्रिजाइडिंग अफसरों को यरगमाल बनाकर भी और लालच देकर भी बनवाए थे और वाजे नज़र आ रहा था कि वो जाली हैं, लेकिन उसकी फॉरेंसिक नहीं की गई। सिर्फ 17 जगह पर कहा गया कि रिकाउंट, अब 2 महीने तक उन्होंने रखा वहाँ पर और फिर कहा कि 17 जगहों पर आप रिकाउंट कर लें, उसका मतलब ये था कि पहले से बंदोबस्त किया हुआ था सबने मिलकर। जो नतीजे तब्दील कर दें वो क्या बैलेट पेपर तब्दील नहीं करेंगे? उनके हाथ में सब कुछ था, ECP ने अपने पास मंगवाया भी नहीं, सीज भी नहीं किया, तो ये बिल्कुल गठजोड़ है ECP और PPP का। तीसरी बात क्या हुई इसमें कि जो मजीद सीटें थीं और फिर 11 UCs जो थीं 7 मई की, उसमें आपके सबके सामने किस तरह उन्होंने कब्जा किया। 14 UCs ऐसी हैं, 6 मिला के वो 8 अलग, जिस पे जमात इस्लामी वाज़े तौर पर फॉर्म 11 के मुताबिक और असल रिज़ल्ट के मुताबिक जीत चुकी है।
लेकिन इन 14 को तब्दील करके पीपीपी के हक में दिया गया, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इससे हमारे नंबर कहाँ चले जाते और उनके नंबर कहाँ जाते। ये सब हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पीपी सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो नहीं बन सकी, तो उन्होंने भी अलायंस किया और हमारा भी इत्तेहाद हुआ। पीटीआई ने हमारी हिमायत की, हमारे नंबर 193 हो गए, उनके नंबर 173 हो गए। एक केस जो था उसको उन्होंने विथड्रॉल करवा दिया तो 192 हो गए। तो 192 हमारे, 173 उनके, वो तीन पार्टी, हम दो पार्टियां। अब इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई थी। ये जो जो बात की जा रही है ना कि मेयर के इलेक्शन में ऐसा हो गया और वैसा हो गया, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो सिस्टम है उसके मुताबिक ये एक रस्मी कार्रवाई थी। चूंकि नंबर्स आ चुके हैं, पार्टियों के डिसीजन हो चुके हैं, और ये जो बार 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 बात की है वुजरा ने कि हमें हक हासिल है कि हम पीटीआई के लोगों से राबता करें और हम तो जमात इस्लामी के लोग भी पूरे नहीं आएंगे, ये तो खुद इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती है कि कोई कैसे इंडिविजुअली ये कह सकता है कि आप पार्टी वोट हमें, जाती वोट हमें दें, जबकि पार्टी का डिक्लेरेशन आ चुका हो। अगर सईद गनी साहब या कोई वजीर साहब ये कहते हैं कि जमात इस्लामी के इतने लोग नहीं आएंगे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुंह की खाई, 130/130 थे जमात इस्लामी के, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी क्या बढ़ाई है, अल्लाह की बढ़ाई है, हमारे तो पूरे के पूरे थे। लेकिन ये बात कहना, ये खुद जो है इलेक्शन के जाब्ते के खिलाफ है, और मैं तो समझता हूँ ये तो 62-63 के भी खिलाफ है कि एक आदमी किसी इलेक्ट्रो पोजिशन पर हो मुंतखब और वो इस तरह के खुलेआम धमकी दे रहा हो कि हमारे रबते मौजूद हैं। और ये बात आपको पता है कि इलेक्शन के बाद से ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई के कुछ लोग नहीं आएंगे। तो ये तो हम बताते रहे इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने नोटिस नहीं लिया। अब जब नंबर्स बिल्कुल वाजे हैं तो उस दिन तो सिर्फ गिनती होनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी 50 साल तारीख को दोहराते हुए, सन 70 से लेकर आज तक की तारीख को, मुल्क तोड़ दो, मैंडेट कबूल नहीं करो, इसको दोहराते हुए उन्होंने लोगों को आने नहीं दिया। गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है कि इंसानों के दिलों में क्या है, उनके चेयरमैन मुंतखब क्या कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नहीं आने दिया गया, लालच देकर नहीं आने दिया गया, पैसे देकर नहीं आने दिया गया, जबरन नहीं आने दिया गया। लेकिन ये बात सबको पता है कि उन्हें एक मकाम पर उनमें से बहुत सारे लोगों को रखा गया, वीडियोज जारी करवाई गई, बाकायदा कुछ रिपोर्टर्स को बुलाकर वीडियोज जारी करवाई गई, और यह तासुर दिया गया इलेक्शन से पहले कि एक ऐसा ग्रुप फॉर्म हो गया है कि जो अपनी मर्जी का फैसला करेगा। मल्टीपल बयानात एक ही आदमी के 4-4 मरतबा आ चुके हैं, जिससे सिचुएशन बिल्कुल कंफ्यूज है। यह हमारा काम नहीं है कि हम तहकीकात करें, यह किसका काम था, यह काम था इलेक्शन कमीशन का। चूंकि हमने इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे भी किया, अपील भी की, दरख्वास्त भी दी कि आप इस सारी सिचुएशन का जायजा लें, लोग क्यों नहीं है मौजूद अवेलेबल, लोग रबते में क्यों नहीं आ रहे घर वालों के, हमारे हम फोन कर रहे हैं और लोग नहीं मिल रहे, तो पता ये चला कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ करना ही नहीं था, वो तो पीपल्स पार्टी की ए टीम है, इसलिए उन्होंने पूरा मौका फराहम किया पीपल्स पार्टी को। हुकूमत ने अपनी, और ये बातें तो फिर मीडिया पे आ गई ना, कि जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है SSU, उसके पहरे में इन लोगों को रखा गया। क्या किया गया, क्या जबर था, क्या ताकत थी, क्या दौलत थी, ये तो तहकीकात से पता चलेगा। और मैं मुतालबा करता हूँ कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाएं इस पर, और इस JIT में तमाम हसास इदारों को शामिल करें और पता करें कि ये इंसान, जीते जागते इंसान, अवाम के मुंतखब लोग, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। आप सोच सकते हैं, कोई दुनिया में मान सकता है कि 4 मरतबा जिसने इलेक्शन की मुहिम चलाई हो, 4 मरतबा मुलतवी हुआ था और फिर उसको लोगों ने वोट दिए और वो जीत गया हो, और उन हालात में जीता हो कि जब पीपल्स पार्टी हर सीट छीनने के चक्कर में थी, और उसके बाद उसको इस बात का मौका मिले कि वो अपनी मर्जी का मेयर मुंतखब करे, उसकी पार्टी की मर्जी का मेयर मुंतखब करे, और ऐसे मौकों पे गायब हो जाए। तो मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा ऐसे किसी आदमी पर कि वो पैसों में बिक गया, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कोई लेन देन नहीं हुई, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी का है उसमें ये सारी बातें वैलिड होती हुई नजर भी आती हैं। और अगर पैसा नहीं था तो जबर था, क्योंकि लोग बता रहे थे कि हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं, 9 मई को इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये खुद कितनी अहम तरीन बात है कि इतने पूरे जमहूरी और इंतखाबी प्रोसेस में आप किसी हसास तरीन चीज को इस्तेमाल करें। ज़ाहिर 9 मई का वाकया जो लाहौर में हुआ वो
उसकी मजम्मत हम करते हैं, जिना हाउस पे जो हमला हुआ, जो कोर कमांडर ऑफ से हमला हुआ, इसकी तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं। कल हमारी मरकजी शूरा का इजलास खत्म हुआ है, वहां पर बाकायदा हमारी करारदाद है इसके ऊपर। लेकिन आप देखें कि साहब ऐसा वाकया हो गया तो आप कराची का इलेक्शन पे कब्जा कर लो इसके बहाने से और लोगों को कुचलना शुरू कर दो। ये जो इन्होंने मौका परस्ती दिखाई पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने और पूरी पुलिस को और अपने स्पेशल यूनिट को इस्तेमाल किया, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पर JIT बननी चाहिए। हम अपील करेंगे कोर्ट से भी और तमाम हसास इदारों को ऑन बोर्ड लेकर मालूम करें ये जिंदा इंसानों के गायब होने का मामला है, मुंतखब लोगों के, ताकि कौम के सामने बात आ सके कि किस तरह से कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा किया गया है। तो फिर उन्होंने उस दिन क्या किया, जब हम गए हॉल में तो हमारी तरफ से एतराज आया, हमने आरओ से कहा कि भाई हमारे बंदे लाओ, फिर हम प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है और यूं नहीं है। हमने एहतजाज किया वहां काफी देर तक और फिर इसलिए हमने सिर्फ राय शुमारी में हिस्सा लिया कि ये अपनी मर्जी का नतीजा बना देंगे, जितने मौजूद हैं उसको भी कह देंगे नहीं आए। इसलिए हमने उसको उसका बायकॉट करके बाहर नहीं आए, बल्कि अंडर प्रोटेस्ट हमने हिस्सा लिया, लिखा हुआ है वहां पर। वहां पर हमने जुबानी तौर पर भी अंडर प्रोटेस्ट का हम हिस्सा ले रहे हैं और जब रिजल्ट शीट बनाई उन्होंने कि हम रिजल्ट अनाउंस कर दें आपकी इजाजत हो, तो मैंने लिख दिया था कि कंसेंट अंडर प्रोटेस्ट। हमारे 31 लोग जो हैं, 31 अफराद नहीं आए थे, 31 अफराद नहीं आए मेंबर्स यहां पर, मैं इस पर प्रोटेस्ट करते हुए इस पर साइन कर रहा हूं। और जो नोटिफिकेशन भी इशू हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें मेंशन है इसलिए कि एडवोकेट जनरल सिंह ने अंडरटेकिंग दी हुई है सिंध हाई कोर्ट में उस केस पर कि जिसमें एनी पर्सन को इजाजत मिली एक तरमीम के बाद कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो इलेक्टेड ना भी हो, काउंसिल का मेंबर ना भी हो। खुद ये तरमीम बता रही है और इसका पूरा प्रोसेस बता रहा है कि ये किस तरह अनोखा लाडला को नवाजने के लिए और उनकी फरमाइशी प्रोग्राम के तहत ये पूरा काम हुआ, लाडलों के लाडलों को नवाजने के लिए किस तरह से ये काम किया गया है। आप ये देखें, एक तो ये सवाल अपनी जगह अहम है ना, पीपल्स पार्टी का मेयर क्या कर लेगा जो 15 साल से जिसके पास पूरी ताकत मौजूद है, जो साहब अब मेयर ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाए जा रहे हैं, बन गए, कब्जा किया है उन्होंने, तो वो साहब तो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप में क्या काम हुआ है ये बता दें ज़रा। हाँ, एक काम ज़रूर हुआ है कि जहांगीर रोड एक सहाफ़ी की मुट्ठी में आ गई थी, यही काम हुए पूरे शहर में। जो सड़कें बनी थी 14-15 अरब रुपये क्लिक के और मज़ीद 21 अरब रुपये के, वो सड़कें जो हैं वो अब टूट चुकी हैं, फूट चुकी हैं, कराची के लोगों का पैसा बर्बाद कर चुके हैं, लूट चुके हैं, खा चुके हैं, सिस्टम काम कर रहे हैं ज़मीनों पे कब्जे के, एडमिनिस्ट्रेटर यही थे, तो अब क्या भाड़ झोंक लेंगे। बहरहाल क्या प्रोसेस हुआ इसका, जो ये कानून साजी इन्होंने सिंध इससे की असम्बली से, इस कानून साजी को उन्होंने गवर्नर से जाहिर है कि वो लगाना होता है, उसका कंसर्न लेना होता है, अगर गवर्नर वापस कर दें तो मज़ीद फिर उनको एक मुद्दत होती है, इसके बाद फिर दोबारा से जाती है, फिर वो हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन उन्होंने ये सोच कर के गवर्नर साहब इस पर साइन नहीं करेंगे, उनकी एक रिजर्वेशन थी, मेरे इल्म में ये बात, तो उन्होंने वो बाहर गए हुए थे और अगले दिन उनको आना था, उन्होंने भाग दौड़ में जाकर ये किया कि जो स्पीकर साहब चूँकि कायम काम गवर्नर होते हैं तो उनसे इसका अप्रूवल कराया और जाकर वहाँ पर रिसीविंग दी है। और ज़राए ये बताते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब इतनी जल्दी में थे कि खुद लेकर गए थे वो कागज़ और वहाँ जाकर उन्होंने इस काम को किया। फिर उसके बाद आप देखें कमाल बात इलेक्शन के प्रोसेस की, ज़िमनी इंतखाब के लिए हम कितना बोलते रहे, 2 महीने लगा दिए इलेक्शन कमीशन ने, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और PP मिलकर कितना डिले करते रहे, लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस इन्होंने अपनी मर्जी का मुकम्मल कर लिया और जब बिलावल साहब ने ऐलान किया कि अब जल्दी प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने धड़ाधड़ जो है वो चीज़ें देना शुरू की। और ख़ास तौर पर आप देखें 9 जून का उन्होंने नॉमिनेशन तय किया मेयर का, क्यों किया, इसलिए कि 8 जून को मुर्तज़ा वहाब साहब के वो 6 महीने मुकम्मल हो रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप से लेकर 8 जून तक के थे, तो इस खास एहतमाम से PPP ECP मिलकर ये काम कर रहे थे। इतना एहतमाम पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन उनके चीफ साहब और उनका पूरा हमला कर रहा था, और सिंध का इलेक्शन कमीशन तो है ही PP का पूरा। तो आप ये बताइए कि इस तरह से एक पार्टी को नवाज रहा इलेक्शन कमीशन और ये पूरा प्रोसेस
हमने दरखास्त भी लिखी, जब लोगों के घरों पे छापे पड़े, लोग गिरफ्तार होने लगे, तो हमने ECP से कहा कि इलेक्शन को आगे बढ़ाइए। इस वक्त सूरत हाल वोलेटाइल है, इस वक्त तो 9 मई के बाद तो पता ही नहीं चल रहा, और पीपल्स पार्टी इसको इस्तेमाल करके इलेक्टेड मेंबर्स को तंग कर रही है। तो ECP ने हमारी बात पे कान नहीं धरे, हमने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दी, हाई कोर्ट ने ये यकीनी बनवाया कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको पेश किया जाए, और वो पेश हुए हमारी दरखास्त पर। लेकिन जो कुछ अफरा तफरी थी उसको एड्रेस नहीं किया गया, ECP ने एड्रेस नहीं किया उसको। फिर जब आखिर में ये वीडियोज़ जारी होने लगें, तो इन वीडियोज़ पर हमने 13 तारीख को ख़त लिखा, उससे पहले भी खतूत लिखे थे, हमने कहा था इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब तक एक दफ़ा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब अब तो आगे बढ़ चुका है, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। पहले देर नहीं हो रही थी, इस वक्त देर होना शुरू हो गई थी, इसलिए कि लाडलों की फरमाइश थी और पूरी करनी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि। लेकिन बाद में 13 जून को हमारी दरख्वास्त मौजूद है कि ये सारी सूरतयाल सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन रोल अदा करे, उसने कोई रोल अदा नहीं किया और इलेक्शन करवा दिया, और वहाँ भी हमने दरख्वास्त की। तो इलेक्शन कमीशन तो उसने कोई काम नहीं किया, ये जिंदा इंसानों का मसला है, मुंतखब लोगों का, ये बुनियादी जमहूरी हकूक का मसला है। इसलिए कैसे मुमकिन है कि एक नंबर हमारे पूरे हैं और बंदे ही निकाल लिए जाएं और कहा जाए कि अब हम पूरे हो गए, तो ये तो जालसाजी कब्जा हुआ है, इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता, इस कब्जे पे ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। जमात इस्लामी अपने इस हक के लिए आवाज़ भी उठाएगी, ये मेरा मसला नहीं है, जमात इस्लामी में फैसला होता है मुशावरत से। आज ये तय हो जाए कि फ़लाँ आदमी मेयर के लिए तो वो फ़लाँ होगा, और हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके लिए इंशाल्लाह, ये कोई इशू ही नहीं है। ये लोग समझते हैं इनके मसले हैं, ये इनको अपनी ये लगाने होते हैं बिल्ले, हमें नहीं लगाने होते अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत के जज्बे के साथ काम करते हैं, और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि पूरी पार्टी हमारी पुश पर खड़ी होती है, पूरी जमात इस्लामी पाकिस्तान इस वक्त हमारी पुश पर खड़ी है। मरकजी शूरा का इजलास था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, पूरे के पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप हारे नहीं हैं, आप जीते हैं, हम पूरा पाकिस्तान आपकी पुश पर लाकर खड़ा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़ा कर रहे हैं।